गर्मियाँ चल रही है, जून जुलाई का मौसम चल रहा है और स्कूल बस का सीज़न है ये काफ़ी बढ़िया वाला। तो इस सीज़न के अंदर सबसे बेहतरीन इंजन, सबसे बेहतरीन ब्रांड स्कूल बसेस के लिए माने जाने वाली वो है SML। उसकी मैं आपको एक स्टैंडर्ड वेरिएंट की सबसे सस्ती, सबसे छोटी बस दिखा रहा हूँ आज आपको। सबसे सस्ती नहीं, क्योंकि इससे सस्ती डीजल वाली है, CNG वाली थोड़ी सी महंगी है। CNG और डीजल गाड़ियों के अंदर अगर आपको फ़र्क देखना है तो जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो डीजल का है, वो है 19 लाख रुपये, और अगर आपको CNG का प्राइस चाहिए तो वो 1.5 लाख रुपये उसमें जमा कर लीजिए, मतलब 20,50,000 रुपये जो है आपकी CNG का प्राइस बन जाता है। मतलब डीजल से CNG के अंदर 1.5 लाख रुपये से फ़र्क आता है, 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में। ये SML की जो CNG की बस है, ये मैं आपको सबसे सस्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटी है। ये 26 सीटर बस है और सबसे छोटी बस है, कैप्सूल बॉडी के अंदर आती है। इसका व्हील बेस इतना छोटा है कि आप इसको बहुत ही थोड़े से एरिया के अंदर पूरा काट सकते हो, गलियों के अंदर भी जा सकती है, गाँव की छोटी छोटी संकरी संकरी गलियों के अंदर जा सकती है। इसलिए ये वेरियंट गाँव देहात में बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ पर रास्ते थोड़े से छोटे हैं वहाँ पे तो बहुत ही बेहतरीन कामयाब है ये वाली गाड़ी। नमस्कार कमागणी दोस्तों, मैं हूँ कौशल यादव और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। आज मैं आपको इस SML की T3500 जो कि 3455 cc का इंजन है उस साथ आने वाली इस बस के बारे में बताऊँगा। नॉर्मल जो वाइपर्स देखोगे ना, वो गाड़ी वाले वाइपर्स की तरह आएगा। जैसे मान लो जो नॉर्मल जो आपके गाड़ियों के अंदर वाइपर आ रहे हैं, नॉर्मल जो एक ही डायरेक्शन चलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न्स वाले वाइपर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। SML की बैजिंग मिलती है और T3500 की बैजिंग यहाँ दे रखी है, टर्बो 3500 इसमें लिखा हुआ है। SML के अंदर आप कोई भी गाड़ी ले लो, आपको इंजन एक ही मिलता है, 3455 cc का इनके पास एक ही इंजन है, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा टेस्टेड इंजन है। तो गलत भी नहीं है कि अगर उनके पास कोई बेहतरीन चीज़ है तो सब में ही दे दो, तो हिसाब से इंजन दिया हुआ है। CNG के अंदर भी टर्बो आता है, ये इनकी खासियत है इस बस की, दबती नहीं है। डीजल में तो टर्बो आता ही था, लेकिन CNG में भी आपको जो है टर्बो लगा के देते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन पावर आउटपुट जो निकाल के देता है। कैप्सूल बॉडी का ये डिज़ाइन काफ़ी फेमस है, छोटी गली के अंदर चलाने वाले जो लोग हैं, जिनको ऐसा है कि गली या रास्ता या व्हील बेस ऐसा चीज़ छोटा तो तुरंत कट जाए, तो उसके लिए ये बेहतरीन गाड़ी, इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है मार्केट के अंदर। आपके जो है ग्लास के अंदर जो है आपको हेलोजन लैंप्स वगैरह मिलता है, और दो सेटअप यहाँ मिलता है और दो का सेटअप उधर मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो आपके जो है नॉर्मल वाले मिलते हैं, हेलोजन वाले ही, लेकिन ये प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं, और आपको साइड के अंदर मिलता है, और इस तरफ भी जो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये गाड़ी CNG के अंदर भी आती है, डीजल के अंदर भी आती है। इंजन इसका 3455 cc है, भले ही 3500 लिखा हुआ है। पावर निकालता है 107 bhp की, 315 Nm का निकालता है ये टॉर्क। 4 चक्का ये गाड़ी है, इसलिए आपको इसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको आप चला सकते हैं 4 चक्का होने की वजह से। डीजल की प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 19 लाख रुपए जो है एक शोरूम प्राइस पड़ता है इस गाड़ी का। अगर आप इसको CNG में लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए प्लस करके 1 से 1.5 लाख रुपए, तो लमसम 20,50,000 रुपए के आसपास जो आपको ये 26 सीटर बस जो है आप ले सकते हैं। अब जैसे आप येलो कलर की देख रहे हैं तो आपको इसके अंदर पता ही चल गया, स्कूल बस है तो येलो कलर की पेंट होके आती है। इसके साथ में ग्रीन कलर की पट्टी जो है साथ में दी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर आपको इसका एयर क्लीनर और इसके अंदर CNG का ऑप्शन यहीं पर ही मिल जाता है। CNG आपको इस बस के अंदर मिलती है 240 लीटर की। सारी डिटेल्स आपकी जो है CNG की इसके ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके अंदर कितने लीटर की CNG कितने हैं। 60 लीटर के इसके अंदर 4 टैंक्स आते हैं, तो लमसम आप एक टैंक के अंदर जो है 9 किलो तक गैस भरा सकते हैं, तो 9 × 36 किलो जो है इसके अंदर लमसम गैस आ जाएगी, 35 से 36 किलो। 5 बोल्ट पे टायर आता है, और टायर का जो साइज़ भी देखोगे ना तो बहुत बढ़िया टायर साइज़ है, 8x25 का साइज़ है, और 16 इंच पे जो है टायर दे रखा। हब ग्रीसिंग वगैरह जो है इसकी 80,000 किलोमीटर के आसपास जो है हब ग्रीसिंग होती है इस गाड़ी की। आप जरूर पीछे आएंगे तो इसको आपको लगेगा कि यार ये बस शुरू हुई और ख़त्म हो गई, तो इतनी ही है, ये शुरू हुई और ख़त्म होने वाली ही। आपको यहाँ पर जो है इमरजेंसी डोर के लिए ओपन करने के लिए बाहर से आपको कांच दे रखा, तो सेफ्टी का पूरा जो है ध्यान रखा गया है। जैपनीज़ टेक्नोलॉजी वाला इंजन, और जैपनीज़ जो है इन चीज़ों के अंदर कटौतियाँ नहीं करते सेफ्टी के अंदर। आपका जो शीशा है वो ऐसे ही अप्रोच नज़दीक पड़ती है, इसलिए इसके अंदर कोई चढ़ने के लिए ऊपर हिसाब नहीं दे रखा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो उस हिसाब से रखा है। आपको इसके अंदर ना यहाँ पर आपको सारा फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो है सिस्टम मिलेगा। आपको एक बड़ी सारा टैंक मिलेगा यहाँ पर, ये टैंक आपके पानी का स्टोरेज के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन वाला टैंक मिलेगा, ताकि जो फायर एक्सटिंग्विशर के टाइम पे, जो आग लगने के टाइम पे जो है इसका इस्तेमाल किया जा सके। बिना इसके कोई गाड़ी की स्कूल बस की पासिंग नहीं है, ताकि सही है एक चीज़, सरकार ने नियम बना दिया, लेकिन बेहतरीन चीज़ जो है कर दी गई है। आपको 4 जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। आपको ये पार्किंग सेंसर्स रिवर्स करते टाइम कैमरा नहीं, लेकिन सेंसर बहुत ज़रूरी है, और सरकारी नियम भी है, ताकि पता रहे पीछे क्या है।
आपको ये टर्न इंडिकेटर, ये ब्रेक लाइट्स और ये रिवर्स वाली जो लाइट मिलती है, स्कूल बस की बैजिंग, एसएमएल की बैजिंग, और शीशा काफ़ी बड़ा है, और ये इमरजेंसी वाला गिलास, अगर आप इसको हल्का सा मारेंगे ऐसे तो तुरंत बिखर जाएगा, और बिखर के ऐसा नहीं कि जमा रहेगा, ये गिर जाता है बाहर, उस हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है सीएनजी वगैरह के लिए आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप चाबी लगाइए, इसको खोलिए, और उसके बाद आप जो है यहाँ से सीएनजी वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। डुअल फिलिंग वेल्व्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलता है, इसको खोलेंगे आपके पीछे स्पेयर व्हील दिख जाएगा, स्पेयर व्हील ले सकते हैं। अब ये बस बनाई गई स्कूल वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स है उतरने और चढ़ने के लिए, फ़ायदा देता है आपको। यहाँ से आप चढ़ेंगे, जैसे ही आपको नीचे दिखेगा यहाँ पर आपको बैटरी दिखेगी आपके सेकंड स्टेप के पास, और मेरी हाइट अब 5'10", फिर भी मुझे जो है झुकना नहीं पड़ा यहाँ पर भी, और ना यहाँ पे मेरे को झुकना पड़ा है, तो काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आती है। छोटे बच्चों को ले जाना है, स्कूल बस है ये, तो आपको समस्या नहीं आएगी। गाड़ी के अंदर भर भर के सेफ्टी फीचर्स भी दे रखे हैं। प्लस जैसे आप इस गेट को खोलते हैं आपको यहाँ पे स्टॉप का साइन दिखता है, ये भी एक सरकारी नियम के तहत आता है, जब आप इसको बंद करते हैं तो वो बंद भी हो जाता है, हाथ के साथ फोल्ड और अनफोल्ड होता है। जैसे आप बस के अंदर आएंगे आपको दिखेगा यहाँ पर ये स्प्रिंकलर वाला जो है सेटअप बनाया हुआ है, ताकि आग लगने के केस के अंदर यहाँ से पानी वगैरह निकल के बच्चों की सुरक्षा करी जा सके। लाइट्स का प्रावधान पूरे बस के अंदर कर रखा है, फायर हैजर्ड्स के लिए ये सब लगाए हुए हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जैसे आप इसे निकालेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये कवर लगाए हुए हैं इन पे। मेरी हाइट 5'10", मैं आपको दिखा देता हूँ कि गैप कितना मिलता है मुझे। गैप मुझे मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मेरे पैरों के साथ में, तो छोटे बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं आने वाली, एक अच्छे गैप के साथ जो है गाड़ी आती है, स्पेस अच्छा है गाड़ी के अंदर। हाइट में मेरी काफ़ी अच्छी खासी जो है इसमें मिल जाता है। एंटी माइक्रोबियल जो आपको सीट मिलती है, तो गाड़ी के अंदर सीटें गंदी नहीं होंगी, बैक्टीरियाज नहीं पनपेंगे, तो सेहत के लिए इनडायरेक्टली एक फ़ायदा है। एंटी स्किड जो है आपके फ्लोर्स मिलते हैं, आप इनके ऊपर फिसल नहीं सकते, ये आपके पैरों को पकड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से जो है फ्लोरिंग भी अच्छी बनाएगा। अगर आप फैब्रिकेटर से बाहर से शैशी लेकर बनवाते हैं तो वो उसको स्टील का बना देते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घिस जाती है और इतनी चिकनी हो जाती है कि उसमें पैर रखती है आपका पैर जो है फिसलता हुआ आगे चला जाता है, तुरंत ही ये बस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इमरजेंसी डोर के आसपास आपको बहुत बढ़िया लेग रूम मिलता है, यहाँ पर इतना बढ़िया जो पैर के बीच में जो जगह मिलती है, इसके साथ ही यहाँ पर जो इमरजेंसी गेट है, इसकी वजह से यहाँ पे देख के चाहते तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस बना सकते थे और 2-3 बंदों बैठाने का, लेकिन सेफ्टी का ध्यान जो है पहले रखा गया है। इस बस के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बैग रखने की जगह, यहाँ पर सारे सीटों के नीचे जो है दी हुई है, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर साइड में कोई जगह नहीं दी हुई बैग रखने की, यहाँ पर भी दी होती तो काफ़ी बेहतरीन बन जाता है। यहाँ से पकड़ने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता ही है इसके साथ में। अब मैं ड्राइवर के साथ जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे कैसे चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ड्राइवर की जो ये वाली जो सीट है वो एडजस्टेबल है, रिक्लाइन भी होती है और आगे पीछे भी होती है, तो एक फ़ायदा है। 5+1 का मतलब कि रिवर्स का जो आपको गेयर बॉक्स मिलता है, बढ़िया गेयर बॉक्स है, बिल्कुल गाड़ी वाला गेयर बॉक्स है, बहुत ही छोटा थ्रो है गेयर बॉक्स में, गेयर में, तो आपको फील आती है कि गाड़ी चला रहे हो। 3-स्पोक का जो आपको स्टीयरिंग व्हील दिखता है, बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वाइपर के कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं और लाइट वगैरह के कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें दे रखा। हेडलाइट लेवलर इसके अंदर यहाँ दे रखा है, ब्लोवर्स दे रखे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है क्योंकि इसके अंदर ब्लोवर भी जो है नहीं चलता है। मेन स्विचेस जो आपको यहाँ पे दिखते हैं, रूफ लाइट ऑन करना, ड्राइवर फैन का ऑन करना, ड्राइवर लाइट वगैरह ऑन करना, सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं। फायर के लिए जो आपको सिस्टम दे रखा है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। ये ब्लैंक स्विचेस है, आप यहाँ पे चाहें तो कुछ लगवा सकते हैं जो आपका मन हो। यहाँ पे आप अपना रूट डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको कौन सा रूट पे चलना है, आप प्लेट लगा सकते हैं। प्रोक्सिमिटी जो शीशा है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है, तो आपको एक समस्या दिखेगी कि इसमें प्रोक्सिमिटी वाला शीशा जो है नहीं है गाड़ी में, तो सामने क्या है या इमीडिएटली आपके इधर क्या है वो चीज़ें नज़र नहीं आती इस गाड़ी में। शीशे से मुझे थोड़ी शिकायत लगी, जो इसके शीशे वो छोटे हैं, हालांकि इसके अंदर पानी रखने की बोतल ज़रूर आती है, ये एक बढ़िया इनपुट जो है मुझे इस गाड़ी के अंदर लगा। बैटरी कटआउट स्विच भी जो आपका यहीं पर जो है दिया हुआ है बिल्कुल साथ के साथ में, तो बस इसके अंदर साथ में ही आता है, लेकिन वो स्विचेस वाले आने लगे हैं, थोड़ा सा पुराने डिज़ाइन का जो है बैटरी कटआउट स्विच दिया हुआ है, जैपनीज़ है, सरकारी कंपनी की तरह ले रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव इस गाड़ी में चाहिए, वो छोटे मोटे बदलाव उनको देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से। इंजन से नो डाउट इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन इंजन, बहुत ही बढ़िया पावर, बहुत ही बढ़िया माइलेज और आउटपुट के साथ जो है गाड़ी आती है। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।